बड़ी खबर भोपाल से भी देख लेते हैं, जहां पर सोनभद्र की घटना के विरोध में कांग्रेसी विधायकों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन में निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा भी इसमें शामिल हुए। विधायकों ने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनभद्र जाने से रोकने की घटना की निंदा की जा रही है और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। तो प्रदर्शन में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी शामिल हुए हैं। तो कांग्रेसियों को अब निर्दलियों का भी साथ मिल गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनभद्र जाने से मना करने पर योगी सरकार और बीजेपी को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। निर्मल सिंह बैस हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सोनभद्र की जो आंच है अब वो राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि मामला हैदराबाद से जुड़ा था तो ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि कांग्रेस की उस मामले को सदन में उठाएंगे। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उठाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। और सबसे अहम बात ये देखने में आ रही है कि कांग्रेस तो है वो सदन में सड़क की लड़ाई को सदन में लड़ रही है। कल भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने हंगामा मचाया प्रश्नकाल के दौरान। और आज वो प्रियंका गांधी की जो है जिस हिसाब से उसको रोका गया उसको लेकर वो विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। तो हाईकमान की नजरों में चढ़ने के लिए ये कहा जा सकता है ना कि जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री हैं वो सदन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि प्रश्नकाल खासा महत्वपूर्ण रहता है। बावजूद इसके ये जानते हुए कल मात्र रश्क हंगामे की वजह से सिर्फ एक ही प्रश्न लिया जा सका था और इसके अलावा 2 बार सदन की कार्यवाही जो है स्थगित करना पड़ी थी अध्यक्ष को। और साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने कल वॉकआउट तक कर दिया था सदन का। अब तो निश्चित तौर पर ये एक परंपरा जो है ये उचित नहीं जान पड़ रही है। जिन पार्टियों की ये सड़क है सड़क पे उतर के कांग्रेस की इस बात का विरोध कर सकते हैं, उसी बात को जनता के सामने रख सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं रश्मि 2 दिन से देखने में आ रहा है कि सदन को ही कांग्रेस ने अपना मंच बना लिया है। और प्रश्नकाल के दौरान इस तरह का हंगामा बरपाना शायद सत्ता पक्ष के विधायकों को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि प्रश्नकाल में जनता से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जो छूट जा रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनका सरोकार सीधे जनता से है उनके साथ छल किया जा रहा है, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो फिर चाहे वो विपक्ष हो? देखिए निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि विपक्ष में रहने के बाद 15 सालों बाद सरकार सरकार में कांग्रेस आई है तो इस तरह की चीजें तो नहीं करेगी। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो समय पब्लिक का रहता है जो पब्लिक जनहित के मुद्दे जिसमें शामिल रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि आज का हंगामे की बात करें तो मुश्किल करीब 15 मिनट चला सदन की कार्यवाही में, फिर जो है अध्यक्ष ने 5 मिनट के लिए स्थगित की, उसके बाद से सदन सुचारू चला। लेकिन जो प्रश्नों का जो समय था वो तो कहीं ना कहीं जाया हुआ है। और आपको बता दूं कि आज किसान कर्ज माफी के मसले पर भी यहाँ पर सदन में गर्मागर्म बहस हुई है, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद बैंक उन्हें कर्ज वसूलने का नोटिस दे रहे हैं। तो ये मसला भी फिलहाल अभी तक विधानसभा में छाया रहा। जी बिल्कुल निर्मल जी, साथ ही हम जिस तरह से सोनभद्र नरसंहार को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी, क्या लगता है क्योंकि इस पूरे मामले पर सोनभद्र नरसंहार पर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है और टीएमसी का जो एक सांसदों का डेलीगेशन जा रहा था उसको भी बनारस एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा 24 घंटे से ज्यादा का वक्त वो मिर्जापुर में जो मिर्जापुर का जो चिनार गेस्ट हाउस है वहां पे गुजार चुकी है, उनको भी नहीं जाने दिया गया। इस पूरे मामले पे अब किस तरह से राजनीति होती दिख रही है, क्या लगता है कितना पॉलिटिकली बेनिफिट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मिलता दिख रहा है? क्योंकि पूरा जो विपक्ष है अब इस सोनभद्र नरसंहार को लेके एक बार फिर से उसको बीजेपी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बिल्कुल सही कहा रश्क आपने। विपक्ष को एक सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ या यूपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार हाथ लग गया है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहां उनसे पीड़ितों को मुलाकात करने के लिए पहुंची, तो जाहिर सी बात है अन्य दल भी जो है वो भी इस मामले को सुख दे रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश तो की जा रही है। जी रश्क बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।